Now I'm going to start new article, which is fluid dynamics. Fluid statics से related हर एक phenomena हम study कर चुके हैं, अब fluid dynamics को study करने जा रहे हैं। देखो, fluid dynamics, fluid statics में क्या था कि fluid बर्तन की दीवारों के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी था, समझे? हमने अभी तक फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में बातें की हैं, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब था कि जो लिक्विड है, जो द्रव है, वो बर्तन की दीवारों के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहे, रुका रहे, उसको हम कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। इससे रिलेटेड सारी फिनोमेना अभी तक मैंने स्टडी की है। अब मैं फ्लूइड डायनामिक्स, यानी यदि जो लिक्विड है वो बर्तन की दीवारें जिसमें वो रखा हुआ है उसकी दीवारों के रेस्पेक्ट में मोशन में है, तो इस सेगमेंट में जो स्टडी आती है वो फ्लूइड डायनामिक्स के अंडर में आती है। तो यहाँ रिलेटेड हर एक फिनोमेना को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ अजम्पशंस यहाँ मानते हैं, ठीक है ना। यहाँ एक आइडियल फ्लूइड माना जाता है, कुछ अजम्पशंस माने जाते हैं, तो वो अजम्पशंस मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, क्लियर। देखो, फ्लूड इफ फ्लूड इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू द वॉल्स ऑफ पॉट इन विच इफ फ्लूड इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू द वॉल्स ऑफ पॉट इन विच फ्लूड इज पुट, जिसमें फ्लूड को रखा गया है बर्तन में, यदि उस बर्तन की दीवारों के रेस्पेक्ट में फ्लूड मोशन में है तो उसको हम कहते हैं फ्लूड डायनामिक्स। इस स्टडी को हम कहते हैं फ्लूड डायनामिक्स, समझे बच्चों? अब यहां कुछ अजम्पशंस हैं, देयर आर सम अजम्पशंस फ्लूइड डायनामिक्स की स्टडी करने के लिए हमें फ्लूइड में कुछ अजम्पशंस मानने होते हैं, समझे ना। एक्चुअल में रियल फ्लूइड में ये चीजें नहीं होती है, क्लियर। तो हमारी स्टडी फ्लूइड डायनामिक्स की बहुत वास्ट हो जाती है अगर मैं वो अजम्पशंस इंक्लूड नहीं करता हूँ, मतलब रियलिटी को अगर इंक्लूड करता हूँ, समझे ना। अगर रियल फ्लूइड को मैं इंक्लूड करता हूँ, रियल फ्लूइड के फ्लूइड डायनामिक्स को स्टडी करता हूँ, तो हमारी स्टडी बहुत वास्ट हो जाएगी। वो ट्वेल्थ के, जेई एडवांस के, जेई नीट के, मेन्स के लेवल से बियॉन्ड चली जाएगी। तो इसलिए हमें कुछ अजम्पशंस यहाँ मानने होते हैं। तो वो अजम्पशंस क्या हैं मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले हम मानेंगे स्टडी फ्लो से क्या मतलब है कि लिक्विड का जो फ्लो है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि किसी एक लोकेशन पर, किसी एक पोजीशन पर फ्लूइड के पार्टिकल की वेलोसिटी समय के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी बोला है मैंने, का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही समय के साथ चेंज नहीं होने चाहिए। ये क्या चीज है अभी समझाता हूं। देखो, स्टडी फ्लो को मैं लिख देता हूं, इन दिस द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन
शुड नॉट वेरी विद टाइम. इन दिस द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन शुड नॉट वेरी विद टाइम. मतलब यदि मैं आपको ये एक फ्लोइंग फ्लूइड का फिगर दर्शाता हूं, तो इसमें जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो वो इस प्रकार से करना चाहिए कि इस फ्लो के दौरान ये एक ट्यूब थी जिसका ये पहला इनिशियल एरिया A1 और ये एरिया A2, इसके अंदर यहां से फ्लूइड एंटर करता है, क्लियर, और यहां से फ्लूइड बाहर निकलता है. तो मुझे अगर ये स्टेडी फ्लो है तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, जैसे ये पर्टिकुलर लोकेशन है एक, इस पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा इस लोकेशन पर जो भी पार्टिकल होगा, इस लोकेशन पर जो भी पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी हमेशा ये ही आएगी इस डायरेक्शन में, इसकी हमेशा ये ही आएगी इस डायरेक्शन में, और जो मैग्नीट्यूड है इस पॉइंट पर वही रहेगा, डायरेक्शन भी वही रहेगी. इसी प्रकार से यदि मैं यहां बात करता हूं तो इसकी वेलोसिटी ये रहेगी, इसकी ये रहेगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कभी समय के साथ एक पर्टिकुलर लोकेशन पर मॉलिक्यूल की, पार्टिकल की, फ्लूइड के पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. ये होता है स्टेडी फ्लो या लेमिनार फ्लो, दूसरा शब्द इसके लिए लेमिनार फ्लो भी होता है, समझना. नेक्स्ट अजम्पशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो होगा इनकंप्रेसिबल फ्लूइड. फ्लूइड क्या होना चाहिए? इनकंप्रेसिबल होना चाहिए. ये अजम्पशन मैंने फ्लूइड स्टैटिक में भी लिया था. मतलब यदि मैं एक क्लोज्ड पॉट में पानी को रखता हूं, फ्लूइड को रखता हूं, और फिर उसकी दीवारों को दबाने लगता हूं, तो वो दीवारें नहीं दबेंगी, समझना. आप उन दीवारों को डिफॉर्म नहीं कर सकते हो. कुल मिला के मैं कुछ इस टाइप की बात कर रहा हूं कि जैसे एक बैलून लेता हूं, मान लेते हैं मैं एक बैलून है, क्लियर, उसमें पानी फिल कर लेता हूं, एक लिक्विड फिल कर लेता हूं, तो वो लिक्विड यदि इनकंप्रेसिबल है तो आप उस बैलून को कंप्रेस नहीं कर सकते, हाइड्रोस्टेटिकली नहीं, हर डायरेक्शन से उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, हर डायरेक्शन से, समझ में आई बात, उसका वॉल्यूम कम नहीं कर सकते हो आप, क्लियर, यदि फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है. तो ये किस तरीके से दूसरे शब्दों में लिखी जा सकती है, दोज फ्लूइड विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट है, समझना, डेंसिटी कांस्टेंट ही निकलता है इस लाइन का मतलब. अगर मैं किसी चीज को दबाता हूं और उसका वॉल्यूम कम हो जाता है तो इसका मतलब आपने उसकी डेंसिटी बढ़ा दी, समझे, क्योंकि उसका मास तो कभी चेंज नहीं होता, दबाने से मास थोड़ी ना चेंज हो गया, लेकिन आपने दबाने से क्या कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया. डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब डेंसिटी बढ़ा दिया आपने अगर आप दबाते हो किसी मटेरियल को और वो दब जाता है, समझे. यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड को आप नहीं दबा सकते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते, वो कंप्रेस नहीं हो सकता है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती है, ये इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का मतलब होता है. नेक्स्ट अजम्पशन जो मैं ले रहा हूं वो है नॉन विस्कस फ्लूइड. नॉन विस्कस फ्लूइड मतलब विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए फ्लूइड की, जीरो होनी चाहिए. अब ये क्या दर्शाता है, इससे क्या मतलब है, देखो विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की जो फ्लूइड के अंदर
किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलेटिव मोशन आसानी से नहीं रखने देती है। क्या बोल दिया मैंने? अगर पॉन्ड है, मैं उसमें स्विम करना चाहता हूं, पानी के अंदर, सरफेस पे नहीं, पानी के अंदर स्विम करना चाहता हूं, क्लियर? वैसे सरफेस पे भी ये बात वैलिड होगी, मैं सरफेस के पानी के अंदर स्विम करना चाहता हूं, अंदर अंदर पानी के, तो पानी की वो प्रॉपर्टी जो मुझे आसानी से स्विम होने नहीं दे रही है उसका नाम होता है विस्कोसिटी। ये कुछ इस टाइप की फिनोमिना होती है जैसे ड्रैग फिनोमिना होती है कि यदि मैं बॉल को एयर में फेंकता हूं तो एयर बॉल पर पीछे की ओर एक फोर्स लगाती है, बस इसी टाइप का अगर मैं बॉल को पानी के अंदर फेंकता हूं तो पानी भी बॉल पर पीछे की ओर एक फोर्स लगाएगा। आई बात समझ में? किसकी वजह से? फ्रिक्शन टाइप फिनोमिना की वजह से, क्लियर? उसी को हम नाम देते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो जो फ्लूइड हम यहां स्टडी करने जा रहे हैं फ्लूइड डायनेमिक्स में, वो नॉन विस्कस है, उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। इसका क्या फर्क पड़ेगा? इसका ये फर्क पड़ेगा, देखो इस प्रॉपर्टी होने से क्या फर्क पड़ेगा हमारी स्टडी में। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ये ट्यूब है, ठीक है ना, ये ट्यूब है मेरे पास एक, इसका ये डायमीटर बड़ा है और ये डायमीटर छोटा है इस क्रॉस सेक्शन में। अब इसमें एक फ्लूड एंटर करता है यहां से, जो इधर से बाहर निकल रहा है, इसको अच्छे से बना देता हूं मैं फिगर को, ठीक है, इस प्रकार से फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसके अंदर, अब यदि इस फ्लूइड में ये प्रॉपर्टी है नॉन विस्कस, समझे ना, ये प्रॉपर्टी है इसमें, तो क्या होगा, यहां से जो एक क्रॉस सेक्शन एंटर किया, ये क्रॉस सेक्शन एंटर किया, अब यही क्रॉस सेक्शन आगे ट्रेवल करता है, समझे ना, सेम मतलब एक क्रॉस सेक्शन पर फ्लूइड के पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहेगी अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, समझे। ये क्रॉस सेक्शन समय के साथ आगे जाएगा, यहां एरिया बढ़ चुका है तो क्या होगा कि इसकी थिकनेस थोड़ी कम हो जाएगी क्रॉस सेक्शन की, समझे। जैसे मैंने यहां ये थिक बनाया है, इतना क्रॉस सेक्शन लिया मैंने, इतने वाटर की बात कर रहा हूं मैं, समझे ना, ये क्रॉस सेक्शन एंटर किया पानी का मान लेते हैं इसमें, तो कुछ समय बीतने के बाद ये यहां चला जाएगा, तो यहां जाने के बाद इसकी थोड़ी थिकनेस कम हो जाएगी क्योंकि ये एरिया बड़ा है, समझे ना। तो यहां भी वो लो एग्जिस्ट करेगा, कौन से वाला लो, कि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो यही मास आगे जाएगा, तो ये मास अगर सेम है तो इसको अपनी थिकनेस कम करनी पड़ेगी क्योंकि यहां एरिया बड़ा है। तो इस बात क्या थी कि नॉन विस्कोसिटी, नॉन विस्कस फ्लूइड का क्या इफेक्ट होता है, नॉन विस्कस फ्लूइड का ये इफेक्ट पड़ेगा कि इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन पर जो स्पीड आएगी एक क्रॉस सेक्शन पर वो सेम आएगी, एक क्रॉस सेक्शन पर स्पीड सेम आएगी। और यदि ये प्रॉपर्टी नहीं होती है तो क्या होता, फिर अगर आप प्रोफाइल देखोगे इस क्रॉस सेक्शन पर तो प्रोफाइल आपको कुछ ऐसी मिलेगी अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, कैसे, कि जो दीवार के सबसे करीब पानी है उसकी वेलोसिटी होगी जीरो, जो दीवार के सबसे करीब है, और जो दीवार से सबसे ज्यादा दूर है, जैसे एक दीवार यहां है बर्तन की, एक दीवार यहां है इस पाइप की,
तो दीवार के पास की वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी, बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन डिस्टेंस बढ़ने पर यह वेलोसिटी बढ़ती जाएगी सेंटर में मैक्सिमम, और फिर दूसरी ओर दीवार आती जा रही है तो इसलिए वहाँ भी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो कुछ इस प्रकार की आपको प्रोफाइल मिलेगी, इस प्रकार की। तो एक क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी अलग अलग आएगी। यदि फ्लूड क्या होगा, विस्कस होगा, अगर फ्लूड विस्कस होगा, एक ही क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग वेलोसिटी आएगी। लेकिन मैंने क्या माना है कि फ्लूड नॉन विस्कस है, इसलिए क्या आती है स्पीड की, कि ये किसी भी क्रॉस सेक्शन पर प्रोफाइल अगर आप चेक करते हो तो स्पीड की प्रोफाइल सेम आती है। स्पीड की प्रोफाइल बता रहा हूं मैं, वेलोसिटी हो सकता है डायरेक्शन अलग अलग हो जाए, इस प्रकार से। समझ में आई कहानी, स्पीड की प्रोफाइल एकदम सेम आएगी ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि इसमें जो दीवारें हैं वो दीवारें फ्रिक्शन टाइप की फिनोमिना लिक्विड के पार्टिकल पर नहीं लगा पाएगी, समझे। इसलिए दीवार से लेकर अगली दीवार तक वेलोसिटी यूनिफॉर्म आएगी, ये डिफरेंस होता है। ये किसके लिए, नॉन विस्कस फ्लूड, और ये किसके लिए, विस्कस फ्लूड। ये चीज आप डेली लाइफ में भी देखते हैं कि अगर मैं किसी रिवर की बात करता हूं, अगर रिवर में आप जंप लगाते हैं, डाइव लगाते हैं, तो आप ये फील करेंगे कि यदि आप सरफेस पर हैं, रिवर के पानी के टॉप पर हैं, तो आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, और यदि आप रिवर के बेसिन पर बैठे हुए हैं तो आपकी स्पीड जीरो होगी, बेसिन पर वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होगी। क्यों, क्योंकि बेसिन कौन है, ग्राउंड का सरफेस, उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो जो बेसिन के जस्ट पास वाली रिवर की लेयर है उसको बेसिन आगे जाने नहीं देगा, रिवर का बेसिन, रिवर का बेस, बेस के जस्ट करीब वाली लेयर को आसानी से आगे मूव होने नहीं देगा। तो जो बेस के जस्ट करीब वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, टॉप पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है, क्योंकि ये बात मैं रियलिटी की कर रहा हूं, रियल में हर एक फ्लूड विस्कस होता है, हर एक फ्लूड में विस्कोसिटी होती है। तो रियलिटी में ये होगा जो मैंने अभी बताया, रिवर में ऐसा होता है, सबसे नीचे लेवर की नीचे वाली लेयर की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है, टॉप वाली लेयर की सबसे ज़्यादा होती है। तो हमने क्या मानना है यहाँ इस स्टडी में, कि हमारा जो फ्लूड है वो नॉन विस्कस है। तो दीवारों से लेके अगली दीवार तक, यानी किसी एक क्रॉस सेक्शन पर कंप्लीटली वेलोसिटी की प्रोफाइल, स्पीड की प्रोफाइल यूनिफॉर्म रहेगी। आई बात समझ में। अब जो नेक्स्ट अजम्पशन है वो है नंबर 4, इररोटेशनल फ्लूइड, इररोटेशनल फ्लूइड। ये क्या होता है इररोटेशनल फ्लूइड, बड़े ध्यान से समझेंगे आप। जैसे मान लेते हैं कि फिर से मैं फ्लो लेता हूं, इररोटेशनल फ्लूइड या फ्लो, इसमें क्या होता है कि अगर मैं एक पॉट लेता हूं जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, एक पाइप लेता हूं, ये पाइप लिया मैंने, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहां से एंटर किया और यहां से लीव किया, ये फ्लो इरोटेशनल फ्लो कहलाएगा यदि किसी एक पॉइंट पर मैं वाटर मॉलिक्यूल के मोशन को सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन बोल पा सकता हूं। दोबारा फिर बोलता हूं, ये फ्लो इरोटेशनल फ्लो होगा यदि इसके फ्लो के अंदर
वाटर के किसी भी पार्टिकल, समझे ना, वाटर के मॉलिक्यूल की सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन नहीं है। समझ में आई बात? अब इस बात का क्या मतलब है? ये थ्योरेटिकल बात है। अब इसको मैं थोड़ा तो आपको फिजिकली समझाता हूँ। इसका फिजिकली क्या मतलब होगा कि यदि मैं एक डस्ट पार्टिकल यहां रख देता हूं, ये डस्ट पार्टिकल मैंने यहां रख दिया, समझे ना, इंजेक्ट कर दिया पाइप के अंदर, डस्ट पार्टिकल छोड़ दिया मैंने, तो ये डस्ट पार्टिकल यदि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन रखता है तो ये फ्लो इरोटेशनल फ्लो होगा, और यदि ये डस्ट पार्टिकल घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, ऐसा संभव है कि ये पार्टिकल घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, तो हम इस फ्लो को इरोटेशनल फ्लो नहीं बोल पाएंगे। तो इस चैप्टर में जितने भी फ्लो हम स्टडी करेंगे वो सभी इरोटेशनल होना अनिवार्य है, समझे ना। रोटेशनल फ्लूड को स्टडी हम अभी इस लेवल पर नहीं कर सकते हैं।